कांग्रेस पार्टी से बहुत दिन से नगरपालिका और जिला परिषद पंचायतों के चुनाव के इंतजार में थी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाए। चुनाव में लागू हुए अनेक मुद्दे हैं, विकास कार्य के मुद्दे हैं। पिछले प्लान में जो वहाँ पर चेयरमैन रहे पूर्व विधायक थे, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। नगर पालिका में इतने भ्रष्टाचार हुए कि आज लालवे की जनता पूरी तरह से परेशान है। देखें, निकाय चुनाव में विकास कार्य भी मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा। लोगों को जो परेशानियां पिछले 5 साल में नगर पालिका की तरफ से हुई है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आज नगर पालिका में कोई अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सारे पोस्टें खाली पड़ी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, स्टडी एम्पायर वार्ड की चौपाल में आज हमारे मेहमान होंगे लाडवा से विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, जिनके साथ हम काफी अहम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेवा सिंह जी, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नगेंद्र जी। विधायक जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि नगरपालिका चुनाव का ऐलान हो चुका है, ऐसे में लाडवा क्षेत्र में कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी से बहुत दिन से नगरपालिका और जिला परिषद पंचायतों के चुनाव के इंतजार में थी, लेकिन बड़े समय के बाद चुनाव की घोषणा हुई है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। और जितने भी नगर परिषद, नगर पालिकाएँ प्रदेश में हैं, सब में कांग्रेस पार्टी अपने चेयरमैन बनाने का काम करेगी। विधायक जी, ये बताइए कि निकाय चुनाव में लाडवा में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, निकाय चुनाव में लाडवा में अनेक मुद्दे हैं, विकास कार्य के मुद्दे हैं। पिछले प्लान में जो वहाँ पर चेयरमैन रहे पूर्व विधायक थे, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है। नगर पालिका में इतने भ्रष्टाचार हुए कि आज लाडवे की जनता पूरी तरह से परेशान है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। मतलब कि मेन बात यहाँ रहेगी निकाय चुनाव में कि मेन मुद्दा भ्रष्टाचार रहेगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, निकाय चुनाव में विकास कार्य भी मुद्दा रहेगा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा। लोगों को जो परेशानियाँ पिछले 5 साल में नगर पालिका की तरफ से हुई है वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। आज नगर पालिका में कोई अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सारे पोस्टें खाली पड़ी हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों का भरपूर सहयोग व समर्थन हमें मिलेगा। विधायक जी, ये बताइए कि 4 लाइन्स, पीपली बस स्टैंड और ट्रॉमा सेंटर खानपुर वाला, उसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, इन मुद्दों के बारे में क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं? देखिए, पीपली से यमुनानगर 4 लाइन का मुद्दा कई बार मैं विधानसभा में उठा चुका हूँ और ये सड़क पंजाब बॉर्डर से लेकर यूपी बॉर्डर तक 3 स्टेट को जोड़ती है, यूपी, हरियाणा और पंजाब। 5 विधानसभा के हल्के पेवा, थानेसर, लाडवा, हरदौर और यमुनानगर इस पर पड़ते हैं। 2-3 शुगर मिल इस पर पड़ते हैं और ये सड़क हमारे इलाके के लिए बहुत ज़रूरी 4 लाइनिंग होना है। मैं इस बार भी मैंने विधानसभा में इसका क्वेश्चन लगाया और इसको इस बार भी विधानसभा में सरकार से पूछने का काम करूँगा। दूसरा, जो ट्रामा सेंटर की बात आपने की, पिछले सेशन में मैंने पीपली पीएचसी का मुद्दा उठाया था और हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी ने हाउस में खड़े होकर माना था कि पीपली पीएचसी की हालत बहुत ही दयनीय है। मैंने खुद वो देखी है और मंत्री जी ने कहा था अगर विधायक जी कहीं पर भी हमें ज़मीन दिवा देंगे हम वहाँ पर ट्रामा सेंटर बनाने का काम करेंगे। मैं खानपुर कोलिया गाँव की पंचायत की ज़मीन का रेजुलेशन करवा कर, जो कई करोड़ों रुपए की ज़मीन है, मुख्य हेल्थ मिनिस्टर जी को सौंप चुका हूं, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो पिछला सेशन था उसमें भी मैंने उसमें उठाने का काम किया, मैंने मंत्री से पूछा था, आपने आश्वासन दिया था, आपने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और अब मैंने विधानसभा की आश्वासन कमेटी बनी होती है, कोई भी मंत्री अगर विधानसभा सेशन के अंदर आश्वासन देता है, अगर वो काम सरकार पूरा नहीं करती तो विधायक आश्वासन कमेटी में उसकी कंप्लेंट कर सकता है। मैंने वो कंप्लेंट विधानसभा की आश्वासन कमेटी में अभी दी है। अब वो विधानसभा की जो आश्वासन कमेटी है वो मंत्री से पूछेगी ये क्यों नहीं बना रहे हैं। विधायक जी, आप लाडवा क्षेत्र से विधायक हैं, सरकार भाजपा की है, लेकिन जनता के आप कार्य करते होंगे अपने हल्के में, तो क्या मुश्किलें आती होंगी आपको? देखिए, विपक्ष के विधायक को अनेक मुश्किलें आती हैं,
लेकिन हम विधानसभा में लाडवा हल्के की आवाज़ उठाकर वहाँ पर लड़ाई लड़के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हल्के का विकास करवाने का काम करें। मैंने पिछले दो साल के अंदर पिछले भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब यहाँ से लाडवे से भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, करनाल से लाडवे की एक फोर लाइनिंग सड़क बननी शुरू हुई थी, लेकिन उसको करनाल की सीमा तक बनाकर कुरुक्षेत्र जिले की सीमा की 6 किलोमीटर की सड़क छोड़ दी गई थी। मैंने विधानसभा में उस मुद्दे को उठाया, मुख्यमंत्री से पूछा कि करनाल की सीमा तक की सड़क आपने बना दी, लेकिन कुरुक्षेत्र की 6 किलोमीटर की सड़क क्यों छोड़ दी। उसका मैंने टेंडर करवाने का काम किया और 13.5 करोड़ रुपए का टेंडर उसका हो चुका है और उस पर काम भी लग चुका है। आज उस सड़क पर पूरे जोरों से फोर लाइनिंग बनने का काम चल रहा है। इसी प्रश्न से संबंधित ये प्रश्न है कि विपक्ष का जब विधायक होता है तो उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, भेदभाव का सामना करना पड़ता है, ये एक आम आरोप है, इसके बारे में आप स्थिति स्पष्ट कीजिए। नहीं बिल्कुल, देखो विपक्ष के विधायक को बड़ी दिक्कतें होती हैं, सरकार से काम करवाने में फंड लाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में उनसे लड़ के अधिकारियों से मिल के प्रयास करते हैं। हमारा एक पीपली का मैं आपकी नॉलेज में लेना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा था, एक रेल इसकी बिजली की बड़ी तारें पीपली के ऊपर से निकल रही थी और 10-15 आदमी वहाँ पर करंट लग के अपनी जान गंवा चुके थे। मैंने उस मुद्दे को विधानसभा में उठाया और ये मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट में भी था। मुख्यमंत्री ने सेशन में खड़े होकर ये कहा कि हाँ ये मेरे ध्यान में है और मैंने अधिकारी भेजकर इसकी जांच करवाई, ये तारें निकल नहीं सकती। मैंने मंत्री जी से मिल के अधिकारियों की एक टीम बनवाई, यहाँ पर पीपल में उसका सर्वे करवाया भी कैसे ये तारें निकल सकती हैं। अधिकारियों ने रिपोर्ट दी भी अगर खानपुर कोड़िया पावर हाउस को हम 66 KV का बना के और जितने देहात की सप्लाई पीपली पावर हाउस से जाती है वो खानपुर कोड़िया से दें और पीपली में 33 KV का पावर हाउस बनाएं जो सिर्फ पीपली और शहर की लाइट के लिए रहे, फिर ये तारें निकल सकती हैं। मैंने प्रयास किया और मैं धन्यवाद करता हूँ बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी का, उन्होंने भी उसमें मेरी मदद की और आज उसके दोनों पावर हाउस का 11.5 करोड़ रुपए का टेंडर होकर दोनों पावर हाउसों पर पूरी जोरों से काम चल रहा है और जल्दी ये पावर हाउस बन के तैयार हो जाएंगे और पीपली की तारों की समस्या हल होगी। विधायक जी, जैसे आपने कहा कि आपने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए हैं, और भी लोकतांत्रिक मंच हैं जिस पर आप जनता की आवाज़ को उठा सकते हैं, हल्के की समस्या को बता सकते हैं, उसके बारे में बताइए। नहीं बिल्कुल, देखिए विधानसभा की जैसे कमेटियाँ बनी होती हैं उसमें हम डिपार्टमेंट बुलाते हैं, हर डिपार्टमेंट को हम बुला सकते हैं, वहाँ पर हम अधिकारियों से सवाल जवाब करते हैं। आज एक कुरुक्षेत्र की सड़कों के क्या हालात है, पीपली में एक बस स्टैंड का मुद्दा है जो 6 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर घोषणा की थी पीपली में एक आधुनिक बस स्टैंड बनेगा, 2 बार खुद मुख्यमंत्री मौके पर साइट देख के गए लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ। अभी पिछले सेशन में मैंने उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम किया और मैंने मुख्यमंत्री से पूछा जब मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट के बाद 6-6 साल अगर काम नहीं लगेगा तो बाकी कामों के क्या हालात होंगे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इसको बढ़ाने का काम करें। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य अपने हल्के के करवाएं, चाहे वो पीपली से यमुनानगर फोर लेन की बात है, चाहे वो लाडवे से शाहबाद फोर लेन की बात है, चाहे वो लाडवे में एक बाईपास की बड़ी भारी समस्या है क्योंकि यमुनानगर से जितनी भी माइनिंग होती है वो सारे बड़े बड़े ट्राले लाडवे से होकर निकलते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो बाईपास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जमीन इक्वायर के सेक्शन 4 और सेक्शन 6 के नोटिस किसानों के पास आ चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस मुद्दे को उन्होंने ड्रॉप करने का काम किया और आज ये समस्या लाडवा की नहीं पूरे इलाके की समस्या है। हरियाणा के लोग फतेहाबाद सिरसा हिसार अगर किसी की डेथ हो जाती है तो फूल लेके हरिद्वार जाते हैं, घंटों घंटों वहाँ पर जाम में फंसे रहते हैं। इस मुद्दे को मैंने पिछले दिनों विधानसभा में उठाने का काम किया, हर समस्या कोशिश करते हैं हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि किसान आंदोलन को लेकर लोगों में नाराजगी है, सरकार से दुखी है जनता, लेकिन शहरी क्षेत्रों में तो भाजपा के क्षेत्र माने जाते हैं, यहाँ मजबूत पकड़ है भाजपा की, निकाय चुनावों में नगर पालिका चुनावों में जीत कैसे होगी आपकी? देखिए किसान किसान ही नहीं हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से परेशान है, चाहे तो वो बेरोजगारी का मुद्दा है,
चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, आज डीजल पेट्रोल सरसों का तेल हर चीज़ किराने का सामान हर चीज़ के कई गुना रेट बढ़ चुके हैं। और शहरों की मैं भी जनता पूरी तरह परेशान है, गैस सिलेंडर का रेट कांग्रेस के समय में 400 रुपये होता था, आज 1000 रुपये रेट है। आप कुरुक्षेत्र शहरों की सड़कें देख ली, कुरुक्षेत्र होली सिटी है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, क्या हालात यहाँ की सड़कों की हैं, लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है, सारा दिन धूल के गुब्बार सड़कों पर उड़ रहे हैं, 6 साल से सड़क पर काम लगा हुआ है, 3 ठेकेदार यहाँ से टेंडर छोड़ के भाग चुके हैं। और एक यही सड़क नहीं, आप जिंदल सिटी की सड़क देख लीजिए, किसी भी सेक्टरों की सड़कें देख लीजिए, सबका बुरा हाल है। तो आज तो हर वर्ग परेशान है, आज इनसे शहरी भी परेशान है और किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, छोटा दुकानदार भी परेशान है। आज चाहे वो नोटबंदी की बात थी, चाहे वो आपके कोरोना की बात थी, लोगों के व्यापार कारोबार धंधे बिजनेस सब चौपट हो चुके हैं। इससे हर वर्ग नाराज है और उसका खामियाजा आने वाले चुनाव में उन्हें भुगतना पड़ेगा। विधायक जी, भी पॉजिटिव न्यूज से आपने बातचीत की, कहीं अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ लाडवा के विधायक चौधरी मेवा सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और अहम मुद्दों पर अपनी बातचीत हमारे सामने रखी। इन्होंने यहाँ पर कहा कि इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दों को विधानसभा में भी उठाया है और लोकतांत्रिक मंच पे भी ये आगे ऐसा कार्य करते रहेंगे। तो आगे स्टडी एम्पायर वार्ड की चौपाल में हमारे साथ होंगे एक नए मेहमान, जानने के लिए देखते रहिए बी पॉजिटिव। नमस्कार।